आज का टॉपिक हमारा एजुकेशन सिस्टम से रेलिवेंट ही है। मोर स्पेसिफिकली हमारा जो आजकल क्राइसिस चल रहा है कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन है और एग्जाम कैसे लेने हैं। तो आजकल देख भी रहे हैं कि फिलहाल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि जी जब पढ़ाया उस पर था ऑनलाइन था तो एग्जाम भी ऑनलाइन लो। और वो किसी ने बड़े मज़े की बात की हुई थी कि जी मैं पबजी का प्लेयर हूँ, फिर मुझे फौज में भर्ती करवा दें अगर ऐसे करना है तो। पेरेंट्स की जब बात आती है तो पेरेंट्स कहते हैं जी एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गवर्नमेंट ने, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, पढ़ा कैसे सकते हैं, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, हमें बचता क्यों नहीं है, महंगाई इतनी है। एंड दे आर हैप्पी कि उनका वो फेज खत्म हो गया, वो कैब्स उछाल रहे हैं कि अब हम आजाद हो गए। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान की सिचुएशन ना, अभी अभी बहुत अच्छे से ये जो पंगा चल रहा है जी के क्लासेस, पहले तो ये था कि क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, फिर ये हो गया अच्छा ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन होंगी कुछ अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी अच्छा फिजिकल स्टार्ट करते हैं, तो एक ऐसे फिजिकल स्टार्ट किया, फिर कोरोना के पेशेंट्स आ गए, फिर बंद कर दिया, अच्छा ऑनलाइन करते हैं, फिर छुट्टियाँ दे दी, फिर ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट अब 1 साल हो गया इस चीज़ को। मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि हमारी गवर्नमेंट या तो इतनी डम है, या तो जो मिनिस्टर्स बैठे हैं और जो जो रन कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को, उनको इतनी नहीं समझ आ रही कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस की बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर ऑफर करती हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ऑफर करती हैं। उनका प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ पड़ा है, आपने जस्ट वो उठाना है और इम्प्लीमेंट करना है। आपसे 1 साल में आपने कोई स्टेप उसके लिए नहीं लिया, आप इसी चक्कर में अब ऑन कर देते हैं, अब ऑफ कर देते सही, हैं। देखो उसके अंदर ना, देखो यही बोले तुम्हारे, फिर अगेन आई हैव टू बैक योर पॉइंट अप कि आपके पास उसके अंदर लॉकडाउन ब्राउज़र आपके पास आ जाता है, ठीक देखो है, ठीक है। आपके पास स्ट्रीम यार्ड आ जाता है, अगर कोई स्टूडेंट्स शाये हैं जो ऑनलाइन ठीक से लर्न नहीं कर पा रहे, आप उनको बैक स्टेज ले जाते हो, उनसे क्यू एंड ए आपका हो जाता है, ठीक है, बेबहा तरीके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं बहुत कुछ, और उसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं। मैं ये कहता बिल्कुल हूँ यार, आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझो ना, हम ऐसे क्यों नहीं समझ लेते कि ये कोरोना तो एग्जिस्ट कर रहा है और इसने तो हमारे साथ चलना है, अभी तो अब ये एक नई वैरायटी के अंदर, एक नई फॉर्म के अंदर आ गया, अब उसकी वैक्सीन के ऊपर मेहनत करनी वो पड़ रही है, वेरिएंट्स ठीक है ना, आए, बिल्कुल लेकिन हमने बिल्कुल। यूरोप के अंदर देख लिया ना कि दूसरी दूसरी दफ़ा लॉकडाउन लग गए, इस दूसरी लहर को लेकर दूसरे दूसरे लॉकडाउन लग गए, ठीक है, हम इसको अपने लिए वो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है क्यों नहीं बना लेते, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि हम समझते हैं कि भाई कोई फिजिकल ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमको करना ही ऑनलाइन है, ठीक है। और जब आप अपने आप को किसी किसी चीज़ के लिए, आप कंपल्शन किसी चीज़ को अपने लिए बना लेते हो, आप उसके लिए रास्ते खुद बनाते हो। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट इस माइंडसेट के अंदर आ जाए, देखो गवर्नमेंट अरबों रुपए यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के अंदर लगाती है, इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। फिर उसके बाद अरबों रुपये यूनिवर्सिटीज़ को चलाने में लगाती है, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद ये है कि जो बच्चा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो इन अ सेंस ब्लेस्ड है कि उसको बहुत अच्छे प्रोफेसर, असातिज़ा, टीचर सब अवेलेबल है, एज़ कम्पेयर टू दैट जो बच्चा आपका घुटकी में बैठा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में, चित्राल में, जहाँ इंटरनेट भी ठीक से नहीं आता, वो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट उनको इंटरनेट तो खोल दो भाई, वहाँ पर जो बच्चा है वो कितना सर्वाइव कर रहा है। अब पीटीआई का ये मोटो रहा है कि जनाब हमने वन एजुकेशन फॉर ऑल, इसको मैं समाप्त कर दूँ अगर, तो पीटीआई के पास ये चांस है, ये एक मौका है कि वो इसको अडेप्ट कर ले, इसको इस मेथड को अडॉप्ट कर ले, एक यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान के लिए बना दे, कितने अरब रुपए लग जाएंगे यार, उसके बाद आप टॉप ऑफ द लाइन फैकल्टी इकट्ठी कर लो और उनके आप लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लो, जस्ट लाइक ऑन द पैटर्न्स ऑफ द फुट स्टेप्स ऑफ खान एकेडमी, ठीक है, और आप ये रिसोर्सेज अवेलेबल कर दो। अच्छा, बहुत सारे लैब्स को, बहुत सारी इंजीनियरिंग की क्लासेज ऐसी हैं या बायो की क्लासेज ऐसी हैं जिनके अंदर लैब्स, केमिस्ट्री की क्लासेज ऐसी हैं जिनके अंदर लैब्स होती हैं। मुझे उसके ऊपर याद आया कि यार मैं अपने एक दोस्त का पोर्टल देख रहा था, एक यूएसए की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, उसके पोर्टल देख रहा था, उसके बायो केमिस्ट्री की एक लैब थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक उस किस्सा है कि मैंने उसकी बायो केमिस्ट्री की जब लैब देखी ना, तो वो क्या था कि आपको लैब के जाने का तरीका वो आपको कैसे सिखा रहे हैं कि आप डोर को अप्रोच करते हो ना, वो डोर अनलॉक नहीं होता जब तक आप 4 स्टेप्स पूरे नहीं कर लेते, आप अपना लैब कोट नहीं पहन लेते, आप अपना मास्क नहीं लगा लेते, आप अपना ये ग्लव्स नहीं पहन लेते, और आप अपने शूज़, लैब शूज़ जो होते हैं वो नहीं पहन लेते, जैसे आप ये 4 स्टेप, इट्स लाइक अ गेम, आप जैसे 4 स्टेप्स पूरे करते हो आपका डोर अनलॉक हो जाता है, जब आप डोर अनलॉक हो जाते हो वो आपको साथ ही गाइड करता है कि आपने जाना है लॉग इन की तरफ, अपने कंप्यूटर की तरफ जाना है, आपने वहाँ पर लॉग इन करना है कि मैं आ गया हूँ लैब के अंदर, अपने टाइमिंग्स को लॉग इन करना है, आपने अपना पर्पस बताना है कि आप क्या करने के लिए आए हो, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो वहाँ पर गया, आपको तब तक वो लैब ऑन नहीं होती आपकी जब तक आप लॉग इन, जैसे आप लॉग इन अपनी डिटेल्स एंटर करते हो आपकी वो अनलॉक हो जाती है, फिर वो आपके बीकर्स, आप बीकर्स की तरफ जाते हो, अब वो बीकर अगर आप गलत बीकर उठाते हो ना तो वो रेड हो जाता है, ठीक है,
और अगर आप सही बीकर उठाते हो तो वो ग्रीन हो जाता है, वो बीकर आप लेके आते हो अपने टेबल तक लेकर आते हो, माइक्रोस्कोप अपनी सेट करते हो, लेंस चेंज करते हो, बहुत कुछ था उसके अंदर। माई पॉइंट इज कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है, हम इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों नहीं बना रहे, क्यों वंस फॉर ऑल हो जाएगा ना। अच्छा ये यही वाला कॉन्सेप्ट इसको अपने आगे लेके चले, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खैर कॉट ऑन कर रही हैं दुनिया से और डिज़ाइन हो रही है डिफरेंट चीज़ें। इंटरेक्टिव लर्निंग मेरा ख्याल है कि अब अगर हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, और जैसे वो हमने अब जिक्र भी किया अभी आपने कि वो PTI गवर्नमेंट का वो स्लोगन यही था कि चेंज और नया पाकिस्तान एंड ऑल दैट, और उसको लेके चलें, तो वो इंटरेक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ऐसा कहा जाता है जी कि जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए चीज़ें चेंज करना मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, और आसान भी है, आसान भी है, क्योंकि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स तो हैं नहीं ना। हाँ, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आपके स्टैंडर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, कितना मुश्किल है उससे बेहतर ड्रॉ करना, बिल्कुल ऐसे ही। अब वैसे भी अब देखें ना, अगर हार्वर्ड के लेवल का आपने इंस्टीट्यूट बिल्ड करना तो वो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बहाउद्दीन ज़करिया लेवल की यूनिवर्सिटी बिल्ड करनी है तो वो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा कंपैरेटिवली। तो हाँ, तो वो यही है कि इंटरेक्टिव लर्निंग से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वही बात हमारी कि कैब छाल के लोग खुश हो रहे हैं कि ये जान छुट्टी, तो वो जो बर्डन वाला कॉन्सेप्ट है वो निकलेगा, और उल्टा लोगों का स्टूडेंट का बेसिकली इंटरेस्ट पैदा होगा क्योंकि हम उसको पढ़ाई हो रहे हैं। अब ये जो समय इंटरेस्ट और बर्डन की बात की, मैं कहता हूँ हम अपने ही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को फर्दर हम इसको क्लियर करते हैं और ज़्यादा इसका पाथ क्लियर करते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं कर देते, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ऐसे है ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेके 48 के 48 कोर्सेज, आप 48 क्रेडिट आवर्स होते हैं, 48 कोर्सेज होते हैं, 148 क्रेडिट आवर्स होते हैं ना। अच्छा, अगर मैं फाइनेंस में अच्छा नहीं हूँ, बाय हुक और बाय क्रूक आई हैव टू लर्न दैट, ठीक है, होगी उसके पीछे कोई फिलोसफी, मैं उस फिलोसफी को समझता हूँ, बट मैं फिर उसके बाद जैपनीज का वो प्रिंसिपल भी समझता हूँ जिसमें उन्होंने आज से तकरीबन 1950s में जब इंडस्ट्रियलिज्म अपने अपने टॉप पे था और जब वो उससे बाहर आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो उन्होंने क्या किया, 1% for a job, ठीक है ना, 1% one job, ये concept था, वो ये concept था, और उनका कहना ये था कि जब आप एक ही बंदे से एक काम बार बार करवाते हो ना तो आपके जो ओवरऑल प्रोसेस है ना उसकी इम्प्रूवमेंट वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यानी कि आप एक प्रोसेस को 50 हिस्सों में 100 हिस्सों में तकसीम कर दो, 100 बंदे रख लो उसके लिए, और हर बंदा एक ही रोजाना काम करे, और उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट में ये बताता है कि अगर चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ भी रखना है ना, और आप एक बंदे से उस बंदे की रोजाना ड्यूटी चेंज ना हो, उसकी एफिशिएंसी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब जब आप 48 कोर्सेज पढ़ाते हो, 48 कोर्सेज, उसका मतलब है कि आप एप्टीट्यूड से डिनाइल भी देते हो। एप्टीट्यूड बेसिकली होता ही है कि तुम 48 कोर्सेज कर जाओगे कि नहीं, वो सिर्फ ये जज करने के लिए होता है। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं अपने ही कॉन्सेप्ट को मजीद रिफाइन करूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक कोर्स आया, उस कोर्स में एंटर होने से पहले आपको एक टेस्ट देना, वो आपको चेक करेगा कि आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, और अगर आपका एप्टीट्यूड ना हो आपको डिनाई कर दे। फिर अगर कोई उसको ट्रिक करने की कोशिश करे तो ठीक है, वो फिर अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन आपके पास उसके बाद क्या हो, आप कोर्स के अंदर एंटर हो गए अपने एप्टीट्यूड के बेस के ऊपर, आपके स्टैंडर्ड्स वहां पर हाई हो, आप यही क्लेम करके आए ना कि आपका शौक था, आपके वहां पर स्टैंडर्ड्स हाई किस्म के आपके स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, चौखा और रगड़ा लगाया जाए बेसिक फाउंडेशनल हर कोर्स के अंदर, ठीक है। अब आपने एक कोर्स का बेसिक किया, फाउंडेशनल भी उसी कोर्स का करोगे ना, ठीक है, और आप फर्दर इम्प्रूव भी। अब आप क्या करोगे कि जब आपको चौखा रगड़ा लग गया ये कोर्सेज, अच्छा इसको एक और मैं इंटरेस्टिंग इसमें डाल देता हूँ, ये इंडस्ट्री बैक्ड कोर्सेज हो, मास्टर फॉर्म को, मल्टी फॉर्म को अगर अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियर चाहिए, उनकी खास किस्म की रिक्वायरमेंट है, खास किस्म की मशीन है, वो इंडस्ट्री बैक्ड कोर्स हो, इंडस्ट्री उसको पे करे, स्टूडेंट को सर्टिफिकेट तब तक ना मिले जब तक वो स्टूडेंट 2 महीने एज एन इंटर्नी वो जाके मास्टर फॉर्म में या मल्टी फॉर्म के अंदर जाके वो इंटर्नशिप ना करे कि भाई इसको जब वो निकलेगा उसको इंडस्ट्री को भी पता होगा कि इसको पता है, और इंडस्ट्री को अपनी मशीनरी पे इंडस्ट्री ने उसको ट्रेन किया होगा, और इंडस्ट्री की कॉस्ट सर्टिफिकेशन की वहां से फिर उसको आप सर्टिफिकेट, रिसर्च पेपर आपका चेक होने जाता है बाहर से, अब HEC का वो रिसर्च पेपर बाहर से चेक होना बंद हो गया, पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्राइवरों की तनख्वाह देनी है जो बसें चलाते हैं, गेम समझ रहे हो, आप उन चीज़ों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो जिनका डायरेक्ट वैल्यू एडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कि वो टेस्टिंग सिस्टम जो है वो इतना डिफरेंट है फ्रॉम हिज 12 इयर्स एजुकेशन, जो कि उसको कोप अप करने के लिए जो 3 महीने देते हो आप, वो उसके अंदर भी उसको समझ जाता है कि अच्छा पहले तो मैंने लगाया था 12 साल रट्टा, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो गया। आप टेस्ट को इंटरेक्टिव टेस्ट कर दो ना, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी हमारे इस तरह के टीचर्स हैं तो वो ज़्यादा टेस्टिंग सिस्टम और वो चीज़ें कैसे बेटर होंगी।